320 रुपए की एक रोटी है, 3000 की बिरयानी है भाई, 330 रुपए में 6 अंडे मिलेंगे आपको। छोटा वाला जो पाव होता है ना इंडिया में 2 रुपए का मिलता है, वो है 50 रुपए का। 2 गुलाब जामुन 600 रुपए का है, क्योंकि दिन का 13-14 हज़ार तो खर्चा। मैं आपको क्या बताऊँ, देखिए यहाँ दिख जाएगा आपको डीजल का रेट। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि स्विट्जरलैंड कितना ज़्यादा महंगा है। देखिए स्विट्जरलैंड इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, सबसे खूबसूरत है पूरी दुनिया में। बट आप लोगों को ये भी मालूम होना चाहिए कि स्विट्जरलैंड इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव कंट्री इन द वर्ल्ड। तो यार आज आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा कि भाई नॉर्मल चीज़ों के रेट, मतलब जैसे कि हो गया आपका ब्रेकफास्ट, आपका लंच, आपका मतलब ट्रांसपोर्टेशन, अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, और ऐसी सारी चीज़ें मतलब सुपर मार्केट लेके जाऊँगा तो वहाँ आप लोगों को बताऊँगा नॉर्मल जो चीज़ें होती है जैसे वेजिटेबल्स हो गए, मिल्क हो गया, उनके सारे प्राइसेस बताऊँगा, प्राइसेस दिखाऊँगा और आपको शौक दूंगा भाई कि कितना ज़्यादा महंगा है। तो यार मैं थोड़ा आप लोगों को साइकिल रेंटल का भी प्राइस बता देता हूँ, अगर आपको साइकिल रेंट करना है तो साइकिल कितने की आएगी, और थोड़े से कपड़े वपड़े के भी रेट हैं। ये देखिए भाई, अगर आपको साइकिल रेंट करना है, देखिए यहाँ सारे लिखे हुए प्राइसेस, ये देखिए ख़रीदने वाली है भाई, ये 3200 स्विस फ्रैंक की है, 1 लाख रुपये की, 2 लाख रुपये की है भाई बाइक। ये देखिए ये 1.5 लाख की है, ये 1.5 लाख की इंडियन रुपी, ये 1.5 लाख की बाइक है, ये 1 लाख की बाइक है, ये तकरीबन 90 हज़ार की है, और ये है 70 हज़ार की। तो भाई अब साइकिल के प्राइस देख सकते हो। और अगर आपको रेंट करना है तो भाई 2 घंटे के लिए आपको 25 स्विस फ्रैंक लगेंगे, जो कि होते हैं तकरीबन 2000 रुपये, 2 घंटे के लिए 2000 रुपये। और आपको टी शर्ट्स लेना है तो देखिए, ये देखिए रेनकोट जैसा है 40 स्विस फ्रैंक का, और यहाँ शूज़ हैं जो माउंटेन्स ट्रैकिंग वाले शूज़ हैं, वो देखिए 99 फ्रैंक्स, जो होते हैं 8000 के ऊपर। तो आप समझ सकते हो साइकिल रेंट करना है आपको 2 घंटे के लिए तो 25 फ्रैंक लगेंगे, 2000 रुपये गया साइकिल रेंट करने के लिए। भाई अपने यहाँ इंडिया में 2000 की साइकिल आ जाएगी। हॉटन बंडन का सबसे मेन एरिया है, और लाइंस आप देख सकते हो यहाँ रेस्टोरेंट पूरे हैं, लेकिन ये जो है ये बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। मतलब अगर आप यहाँ नॉर्मली ब्रेकफास्ट करोगे आपका 50 फ्रैंक स्विस फ्रैंक चले जाएगा, मतलब जो होते हैं आप समझ सकते हो कुछ 4000 के ऊपर चले जाएंगे। वहाँ पर एक गाड़ी सी लगती है, वो थोड़ा सा बजट में रहता है, तो वो आपको वो दिखाता हूँ। तो यार अब आ गए हैं यहाँ ब्रेकफास्ट करने, क्योंकि आप लोगों को बताया हमारे रेस्टोरेंट में बहुत ज़्यादा महंगा था। तो ये एक आप समझ सकते हो पहाड़ के साइड में ही एक गाड़ी सी लगा के रखे हैं, और इसके मैं प्राइसेस आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए डोनट्स के प्राइस है 10, 8, 7 उतने पे ही, और यहाँ आपको वेफल मिलेगा 7 यूरो 7 फ्रैंक 8 फ्रैंक 8 फ्रैंक 8 फ्रैंक 8 फ्रैंक, और कॉफ़ी के सारे प्राइजेस हैं 4 4 4। तो मैं पहले ऑर्डर कर लेता हूँ आप लोगों को, फिर मैं दिखाता हूँ कि कितना क्या है। देखिए यहाँ पूरा एक डिटेल में लिखा हुआ है, देखिए खाली अगर वेफर लेंगे तो 6 फ्रैंक है, जो कि भाई 600 रुपये का छोटा सा आता है, मैं आपको वो भी इसको वो भी दिखाता हूँ। ये 7 फ्रैंक ये 8 फ्रैंक ये 8 फ्रैंक, मतलब 8 फ्रैंक ऑलमोस्ट होते हैं 650 रुपये, वो भी छोटे से होते हैं। और कैपेचिनो अगर छोटी सी कप लोगे तो 5 फ्रैंक 4 फ्रैंक, जो कि होते हैं 400 रुपया। तो अगर थोड़ा सा मिनिमम एकदम बारीक सा ब्रेकफास्ट भी करोगे ना थोड़ा सा, मतलब तो भी आपके 1000-1200 रुपये तो जाने इजीली। तो भाई मेरा ऑर्डर आ गया, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए एक न्यूटेला वेफल है जो कि है 7 फ्रैंक का, ये कैपेचिनो है 4 फ्रैंक 11 और 14 फ्रैंक होते हैं, 1000 के ऊपर ही होते हैं, वो भी देख सकते हो इसकी पोर्शन देख सकते हो कितना बड़ा है, और कॉफ़ी कितनी बड़ी है, और ये व्यू के साथ भाई तो यार ठीक ही है। और चलते हैं खा लेते हैं, फिर आपको दूसरी जगह लेके चलते हैं। तो यार अब चलते हैं सुपरमार्केट की तरफ, आपको वहाँ दिखाता कि भाई भाजी और नॉर्मल ग्रोसरीज़ के रेट क्या हैं, दूध कितने रुपए लीटर है, और नॉर्मल जो वेजिटेबल होते हैं वो कितने का है। ये मेरे हिसाब से कुछ पेट्रोल पंप लग रहा है भाई आपको, मैं पेट्रोल का रेट भी दिखा देता हूँ। ओह लिखा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है डीजल 2.15 स्विस फ्रैंक, जो होते हैं 200 रुपये लीटर डीजल। ये चलो एक बार थोड़ा समझ में आता है। और ये देखिए यहाँ आपको सारे प्राइसेस मिल जाएंगे, स्नीकर कितने लगभग 3.5 यूरो की, मतलब स्नीकर आपको चाहिए तो हो जाएगी भाई 250 रुपये की छोटी वाली। और रेडबुल है 5 स्विस फ्रैंक का रेडबुल है, 420 रुपये का रेडबुल है। और यहाँ वाली जो 10 रुपये वाली ओरियो आती है ना जिसमें 3 पीस रहता है, वो 2.60 स्विस फ्रैंक, जो कि 200 रुपये से भी ज़्यादा होते हैं भाई, मैं आपको क्या बताऊँ। देखिए यहाँ दिख जाएगा आपको डीजल का रेट,
2.150 जो लगभग लगभग होता है 180 से 190 रुपए। ये तो चलो एक थोड़ा समझने वाली बात है कि भाई अफोर्ड कर ही सकते हैं, क्योंकि इंडिया में भी ऑलमोस्ट 100 रुपए चल रहा है, तो ये इतना ठीक नहीं है। लेकिन पानी और वो सब का देखे भाई, एक स्निकर आपको मिलेगी 300-250 से 300 रुपए की, और ओरियो जो आती है ना 3 पीस वाली पैकेट, वो आपको मिलेगी कितना था वो 2 पॉइंट कुछ, मतलब 200 रुपए की 3 पीस ओरियो। तो चले भाई सुपरमार्केट में तो चलिए, लेकिन व्यू जो रहता है ना भाई वो पूरा कवर कर देता है। मतलब ये देखिए भाई, जहाँ रुक जाओ आप, देखिए वो वाटरफॉल कितना खूबसूरत दिख रहा है। यहाँ एक फेमस सुपरमार्केट है COOP, तो वहाँ चलेंगे। बस यहाँ से अराउंड 100-200 मीटर है, ऑलमोस्ट लगता सामने ही है। तो भाई ये रही मेरे पीछे कोप की सुपरमार्केट, यहाँ देखते हैं भाई नॉर्मल ग्रोसरीज के प्राइजेस। ये देखिए, देखते हैं भाई क्या हाल चाल है। बाहर से ही मेरे को सिर्फ 400 स्प्रैंक 500 स्प्रैंक दिख रहे हैं। तो एंटर हो चुके हैं, स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग से। ये देखिए भाई 600 स्प्रैंक का, ये कुछ पीच जैसा है। 600 स्प्रैंक 700 स्प्रैंक है भाई, 6 नहीं है। और एक स्विस फ्रैंक होता है 8500 रुपी, तो उसके हिसाब से आप हिसाब लगा लेना। ये देखिए, ये है रतालू, और रतालू 4.10 जो होगा लगभग लगभग 350 रुपये का, ये मिलेगा आपको 350 का ही बस। और अगर आपको नॉर्मल कटा हुआ सैलेड चाहिए, देख सकते हैं जैसे ये कटा हुआ सैलेड है, इसमें थोड़ा सा मतलब पत्ता गोभी है और थोड़ा सा वो सब चीज़ें हैं। ये है 300 स्प्रैंक का, जो होते हैं लगभग 240 रुपये 250 रुपया इसका खाली। और यहाँ देख सकते हो अलग अलग सैलेड है, ये देख सकते हो छोटी सी थैली है 2.20 लगभग 200 रुपये। और ऐसी सारी चीज़ें भाई ऐसी है। एक सैंडविच चाहिए आपको, इसमें 2 सैंडविच है शायद, हाँ देखिए इतनी है। ये 5.20 स्विस फ्रैंक 500 रुपया। ये है 250 रुपया भाई। ये सारी चीज़ तो दिखा दी आपको, अब मैं पाँव दिखाता हूँ, ब्रेड दिखाता हूँ। ये देख सकते हो एक नरम पाँव छोटा वाला 70 सेंट का, जो होते हैं अराउंड 50 रुपये का एक नरम पाँव, छोटा वाला जो पाँव होता है ना इंडिया में 2 रुपये का मिलता है, वो है 50 रुपये का। और सारे ब्रेड भाई बाकी 1 यूरो के ऊपर है। देखिए ये क्रोसां हैं, ये 1.40 जो होते हैं 120, और ये बन पाव चाहिए आपको तो 2.80 बन पाव, जो बन पाव इंडिया में आता है 12 से 15 रुपये का, वो यहाँ बन जो बर्गर वाला बन होता है वो बन पाव, वो 2 पीस यहाँ मिल रही है 2.80 जो होते हैं लगभग 220 से 230 रुपये। तो आपको आइडिया पड़ रहा होगा भाई। और चलते हैं यार, जैम वगैरह के प्राइस देखिए, प्राइस छोड़िए भाई, इसकी क्वालिटी देखिए यार। ये देखिए, मतलब ये है कुछ लगभग 200 रुपये का, जो कि ठीक है भाई। और मैं हरदम जहाँ जाता हूँ ना, कोई भी कंट्री जाता हूँ, मैं सबसे पहले जैम लेता हूँ और ब्रेड लेता हूँ भाई, मेरा ब्रेकफास्ट का वो हो जाता है, तो हरदम वही करता हूँ। अभी भी रखा हूँ मैं बैग में, लेकिन आज मूड नहीं था वो खाने का। तो देखिए ये कुछ अच्छी वाली है 500 रुपये की, 200 500, अलग 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 प्राइसेस हैं। तो भाई मेरे पास रखी है स्ट्रॉबेरी वाली, मैं फ्रांस से लिया था, जो कि 3 यूरो की पड़ी थी, जो होते हैं लगभग 250 रुपये। ठीक है यार, मतलब कुछ चीज़ों का प्राइस ठीक ठाक है। तो यार सोच रहा हूँ मैं भी कुछ थोड़ी चीज़ ले लूँ, एक ट्रॉली निकाल लेता हूँ, क्योंकि भाई अब खाली घूमेंगे नहीं, थोड़ा सा हल्का सा देखता हूँ भाई क्या, क्योंकि दिन का 13-14 हज़ार तो खर्चा हो ही रहा है। तो यार अब आ गया हूँ मैं चॉकलेट वाले सेक्शन में, चॉकलेट काफ़ी सस्ती है भाई, चॉकलेट सस्ती है, महंगी नहीं है। आप देख सकते हो बड़ी वाली टॉबलेरन जो है, सही बोल रहा ना भाई, टॉबलेरन जो भी है भाई, ये है 700 स्विस फ्रैंक की, जो कि ठीक है भाई। ये छोटी वाली जो है ये 2.20 स्विस फ्रैंक की, जो होते 170-180, मैं एक ले लिया हूँ भाई, मैं एक ले लिया हूँ, क्योंकि ठीक है यार चॉकलेट काफ़ी सस्ती है, मैंने ट्राई किया था बहुत अच्छी है, 1.5 ये 100 रुपये की है, ठीक है 110 रुपये की, ठीक है यार। और बाकी चॉकलेट की प्राइस भी देख सकते हो, स्विस चॉकलेट पहले तो बहुत फेमस है, और साथ ही साथ काफ़ी सस्ती है, काफ़ी सस्ती है भाई। मतलब यहाँ एक चीज़ तो मुझे काफ़ी सस्ती नहीं, मतलब इंडिया के रेट पर हैं, लेकिन देखिए 4.70 इतने में तो एक पेप्सी आती है भाई, और इसमें बड़ी वाली मिल रही है। तो यार चॉकलेट की प्राइसेस ठीक है यार, मतलब अफोर्डेबल है और काफ़ी अच्छे हैं, इसलिए मैं एक ये ले लिया हूँ, और एक वो लिया हूँ योगर्ट लिया हूँ, जो कि मैं आपको बाद में बताता हूँ। ये देखिए, और बाकी 1.80, मतलब यहाँ जो सेक्शन है इस पर एक स्विस फ्रैंक 2 स्विस फ्रैंक में आपको चीज़ें मिलेगी, और बाकी कहीं नहीं दिखेगी। देखिए एक के भी नीचे 0.6 उसमें आपको ये 50 रुपये में ये मिल जाएगी। तो यार स्विस चॉकलेट के प्राइसेस ठीक है। तो यार उसके जस्ट बाजू में दूध वाला सेक्शन है भाई, आपको अगर दूध चाहिए तो उसके प्राइसेस आप देख सकते हो,
देखिए मतलब 3, 2, 1 अलग अलग प्राइजेस है, लेकिन मुझे तो ठीक ठाक लग रहा है। मतलब 1 लीटर आपको 200 रुपये का मिल रहा है, जो कि महंगा है, लेकिन बाकी चीज़ों से तो ठीक ही है। और यहाँ भी देख सकते हो अलग प्राइसेस हैं। देखिए 4.5 छोटे वाले का, इसका अलग है। तो मतलब आपको लगभग समझ लीजिए 200 फ्रैंक में 1 लीटर दूध मिल जाएगा, जो होते हैं तकरीबन 160। और यहाँ दिखाता हूँ आपको अंडे की ट्रे। ये देखिए भाई, ये 6 अंडे आपको चाहिए, 6 अंडे के वो 400 फ्रैंक, जो होते हैं अराउंड लगभग होते हैं आप समझ सकते हो 330 रुपये। 330 रुपये में 6 अंडे मिलेंगे आपको 330 में। तो भाई इंडिया में मिल जाएगा 3600 रुपये का, सिर्फ 30 से 35 रुपये में मिल जाएगा, 5 से 6 रुपये का आता है। और यहाँ लगभग एक पड़ा 50 रुपये का भाई, 40 से 50 रुपये का अंडा। ठीक है, देखते हैं और आगे चलते हैं। तो यार एक ये भी ले लेते हैं, दिखने में भी अच्छा लग रहा है, और है 2.35 जो कि होता है 200 रुपये। बाहर तो भाई 5 का मिल रहा है, तो ठीक है यार निकलते हैं भाई बाहर। भाई देख सकते हो निकल गया हूँ पीछे सुपरमार्केट से, देखिए मेरी थैली। और भाई मजाक में 6 फ्रैंक हो गए, 6 फ्रैंक जो कि होते हैं लगभग आप समझ सकते हो 500 से थोड़ा सा ऊपर होते हैं, कि लगभग 500 होते हैं। बस इसलिए लिया क्योंकि वो ये ना बोले कि भाई फोकट खाली वीडियो बना रहे हैं। कुछ भी नहीं लिया, एक कॉफ़ी लिया हूँ और एक क्या बोलते हैं उसको, एक चॉकलेट लिया हूँ 500, जो कि ठीक है यार यहाँ के हिसाब से, ये व्यू के हिसाब से। और एक चीज़ जो है वो सस्ती मिली, जो ये थैली, ये जो आप पॉलीथीन देख रहे हो, ये इंडिया के 3 रुपये में मिली है। तो यार ये ठीक है। तो अब चलते हैं भाई, थोड़ा सा एक घूमेंगे और उसके बाद हम चलेंगे खाना खाने। तो फिर उसके प्राइसेस बता दो कि भाई खाना कितने में पड़ता है आपको एक टाइम का। तो यार अब मैं आ गया हूँ एक रेस्टोरेंट में, और ये कुछ ज़्यादा हाईफाई नहीं है, नॉर्मल एक एवरेज रेस्टोरेंट है, आप देख ही सकते हो। इसका नाम है टर्किश रेस्टोरेंट, और ये देख सकते हो ये कुछ है ऐसा, और ज़्यादा कुछ हाईफाई नहीं है, एवरेज है। तो अंदर आप लोगों को जाता हूँ, इसका मेन्यू दिखाता हूँ। देखिए भाई ये मेन्यू है, और ऐसे आप ओपन करोगे, यहाँ देखोगे इस्तांबुल रेस्टोरेंट नाम है इसका। तो स्टार्ट करते हैं भाई। ये देखिए फ्रेंच फ्राइज का प्राइस है 10 स्विस फ्रैंक, जो कि होते हैं 820 रुपये। फ्रेंच फ्राइज का 820 रुपये, और नॉर्मल सैलेड का देख सकते हो 14, 12, 15, जो कि आपको इंडियन उसमें प्राइस लिख के आ जाएगा उस पर। देखिए एक प्लेन रोटी है 4 स्विस फ्रैंक की, जो होते हैं 320 रुपये की एक रोटी है। और यहाँ देखिए भाई कोई भी चीज़ 20 के नीचे नहीं है, 22, 23, 22, 23। और इसके जो सारे प्राइसेस आपको इंडियन करेंसी में लिख के आ रहे होंगे, तो देख सकते हो मतलब एक आपको मिक्स ग्रिल थोड़ा सा चावल के साथ थोड़े से मीट चाहिए तो उसके 45 है, जो कि सब जाते हैं 5000-4000 तक, देख सकते हो। और आपको अगर इंडियन खाना खाना है तो उसके प्राइस देख लीजिए भाई, चिकन बिरयानी है 32 स्विस फ्रैंक, जो कि होते हैं अराउंड समझ सकते हो 2600-2700 रुपया एक बिरयानी का, 2700 रुपया। और वेज बिरयानी का 27, जो कि होते हैं सब 2000 के ऊपर, ये 3000 है, ये 2500 है, ये 3500 है। बटर चिकन 3000, सादा चावल आपको मिलेगा 700 रुपये का सादा चावल है। चिकन करी 30 भाई, यही रेट देख लीजिए भाई। स्पेगेटी भाई 1700, और पिज़्ज़ा तो भाई भूल ही जाओ, देखिए 2000, 2000, 1600, 2000, 2000। ये देखिए गुलाब जामुन, 2 गुलाब जामुन 600 रुपये का है, 600 रुपये का 2 गुलाब जामुन। और बकलावा 4 बकलावा 1000 रुपये का, 4 बकलावा भाई। ऑरेंज जूस 600 रुपये का है, देख सकते हो ये मैंने ऑर्डर किया है, जो कि है अराउंड 25 स्विस फ्रैंक का, जो होते हैं 2000 के ऊपर ही जाता है। तो भाई 2000 रुपये में इतना कुछ मिलेगा आपको स्विट्ज़रलैंड में, देखिए